দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য। বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম নামাজ পাঠ করা হয় টিটাগড় বাংলা জামা মসজিদের সামনে, যেখানে অংশগ্রহণ করেন কয়েক হাজার মানুষ। গত দুবছর করোনা পরিস্থিতির কারণে নামাজ বন্ধ থাকলেও চলতি বছর নামাজ পাঠের আয়োজন করা হয়েছে। সেই উপলক্ষে শুক্রবার টিটাগড় পৌরসভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন পৌরপ্রধান কমলেশ সাউ। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পৌরপ্রধান ও টিটাগড় পৌরসভার चार नंबर वार्डर पौरपिता मोहम्मद रियाजुद्दीन जनन, देखिए दो साल के बाद ये कोरोना के समय प्रॉब्लम हुआ था, इसके पहले भी नमाज होता रहा है और इस बार भी ईद का नमाज बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरह से, खुशी से हम लोग सभी मिलजुल कर एक साथ मनाएंगे। सरकार क्या स्टेप ले रही है, किस तरीके से करवाएगी सरकार ईद में? क्या ईद में तो कोई स्टेप सरकार नहीं लेती है। ईद में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था रहेंगी। हम लोग सभी ईद के दिन यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारे MLA साहब भी हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि ईद के दिन वो भी इस इलाके में रहेंगे। हिंदू मुस्लिम को क्या वार्ता देना चाहेंगे? एकदम टीटागढ़ तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसी महीने में पवित्र रमजान था, रामनवमी था, तो हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ टीटागढ़ में ईद भी मनाएंगे, रामनवमी भी मनाएं, हाँ आने वाले जितने भी पर्व त्यौहार हैं हम लोग सभी एक साथ मिलकर मनाएंगे। तो साफ सफाई जेटा हबे सेटा व्यवस्था करेछि, आमरा किछु तिरपाल जोगाड़ करे दिएछि, जा जा दरकार हमारा सभी व्यवस्था करी। आप तो देख रहे हैं हम लोग का जो है सफाई, आप तो देख रहे हैं ईद का पहले से ही सफाई का काम स्टार्ट हो गया। हम लोग का चेयरमैन जो है कमलेश साहू जी, पूरा हम लोग जो म्यूनसिपलिटी है सब सपोर्ट कर रहे हैं जो भी है यहाँ पर काम करने के लिए। गंदगी को एकदम साफ हम लोग हटा दिए हैं और मिलजुल कर जितने भी कर्मी हम लोग मिलजुल कर सब साफ कर रहे हैं और जितना तक करना होगा हम लोग करेंगे और लोगों के बीच रहेंगे। ईद अब की बहुत धूमधाम। टीटागढ़ के सैकत गांगुली, रिपोर्ट चैनल 24/7। আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24/7 টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য।